हर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको पॉलिसी बनानी है और उस पर रिएक्ट करना है. बाज़ औक़ात इट इज़ गुड टू हैव यू नो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स, बट बाज़ औक़ात इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप देम नेगेटिव, बिकॉज एक सर्टेन पॉइंट के बाद उनका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है और उनका उनका जो नुकसान है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. और देयर फॉर कोई इसके अंदर एक रिटन फार्मूला नहीं है, टेम्पलेट नहीं है, ये आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिलीवर करना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा. हमारे केस में इंटरेस्ट रेट जो है वो करेंसी के बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है इन द इन्फ्लेशन, वो इंटरेस्ट रेट्स है. क्योंकि हमारा सिचुएशन क्या है, हमारी सिचुएशन ये है कि एक तो हमारी तकरीबन आधी इकोनॉमी काली है, ग्रे है. दूसरा हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो बोरोइंग्स है ऑफ प्राइवेट सेक्टर वो 36% है और टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स. तो आप जब इंटरेस्ट रेट से प्ले अप करना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ 36% को पीनलाइज कर रहे होते हैं, जहां ऑलरेडी बाय द वे आपका प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग जो है वो ऑलरेडी सफर कर रहा है. और आप जो जब और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एग्नोस्टिक होते हैं एज फार एज द गवर्नमेंट पेपर इज कंसर्न, बिकॉज गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी सब्सटेंशियल होती है और अनलिमिटेड होती है कि उनको तो हर रेट पे बोरो करना ही पड़ता है. और देख लीजिए यही हो रहा है. और जब वो बोरो करता है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है दैट टेंट अमाउंट टू इफेक्टिवली प्रिंटिंग द करेंसी विच इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन. एंड देयर फॉर एवरी टाइम यू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स यू आर क्रिएटिंग मोर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. So we need to keep that in mind and then determine what the interest rate should be.